भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि एक बार फिर उभर कर सामने आएगी। फिल्म अमर अकबर एंथोनी की तरह भूपेश के मंत्रिमंडल में सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा, यह बात मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद खुद ब खुद साबित हो जाएगी। जनता इसे देखेगी और जानेगी। आईएमएनडी न्यूज चैनल से मैं बल्कि भारत एक बार फिर आपके सामने 15 सालों के बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में लौटी। आईएमएनबी न्यूज चैनल से मैं बलबीर भाराज एक बार फिर आपके सामने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर खासे परेशान हैं। विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की, भूपेश बघेल चाहते हैं कि चंद महीनों बाद आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ इस तरह से ही विजय पाए और लोकसभा की छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पे कांग्रेस का परचम लहराए। भूपेश बघेल चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व मिले जो दमदार हों और चंद महीनों में ऐसा कुछ काम करके दिखाएं कि जनता का प्यार जनता के वोटों के रूप में कांग्रेस की झोली में आ जाए। भूपेश बघेल चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हों शामिल हों जो बहुत ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस के प्रति वफादार हों। वैसे तो मंत्रिमंडल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन चंद नाम भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया जा सकता है उनमें से महत्वपूर्ण नाम इस तरीके से हैं जिन्हें मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर, धनेंद्र साहू, रविंद्र चौबे, अरुण बोरा, अमितेश शुक्ल, मनोज मंडावी, अमरजीत बघेल, प्रेम साय सिंह। महिलाओं में अनीता शर्मा और अनीता भेड़िया में से किसी एक को जगह दी सकती है। ज्ञात हो कि ताम्रध्वज साहू और टी एस सिंहदेव को पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है।